दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पावर टूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। इस चैनल पर आपको वेल्डिंग मशीन व पावर टूल्स के रिपेयरिंग के वीडियोस मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी करें। दोस्तों मशीन को ऑन करने पर ऑसिलेट ग्लो हो रहा है और स्विच को जस्ट ऑन करने के बाद अगर ऑसिलेट ग्लो होता है तो एक गेस कर सकते हैं कि इसका जो फॉल्ट है वह टॉप बोर्ड में है। इसे हम ओपन करके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने मशीन के कवर को ओपन कर लिया है। अब मैं इसके जो भी डायोड्स हैं, मॉस्फेट वगैरह, इन सब को चेक करूंगा। उसका पूरा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसी के फॉल्ट्स के लिए हम पहली स्टेप को फॉलो करेंगे। पहली स्टेप में हम इसके डायोड्स को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस मशीन को सीरीज़ में ऑन किया है और मैं जैसे ही इसे सीरीज़ में ऑन करता हूँ इसके टॉप बोर्ड की ओसी चल जाती है। आप नोटिस कर सकते हैं बोर्ड की भी ओसी भी चल रही है और मशीन के बाहर वाली लाइट भी ग्लो कर रही है। मैं इस मशीन को बंद करूँगा। इसे पावर ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ओसी के कारण पावर ऑफ होने में टाइम लगता है। ये जैसे ही ऑफ होगा मैं अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करूँगा और इसके आउटपुट टर्मिनल्स पर बीप साउंड को ऑब्जर्व करूँगा। इसकी जो पोलैरिटी रहती है प्लस माइनस की प्रॉप की, इसे मैं रिवर्स भी करके देखूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ वैल्यू शो हो रही है, कोई भी बीप साउंड नहीं हो रहा है। अगर आपको शॉर्टिंग का साउंड अगर आता है मल्टीमीटर पे तो हम इसके डायोड्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इसमें भी सारी वैल्यूज कुछ शो कर रहा है, यानी कि इसके डायोड्स ओके हैं। और मॉस्फेट मशीन में दोस्तों जो डायोड्स रहते हैं वो मिडिल कार्ड की साइड में रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे 12 डायोड लगे रहते हैं, 6 इस साइड लगे रहते हैं, 6 इसके जस्ट अपोजिट साइड लगे रहते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में ये क्लियर किया कि इसके डायोड्स तो सब ओके हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पर। दोस्तों सेकेंड स्टेप में अब हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। उसके लिए हम इस ट्रांसफार्मर के जैक को निकाल देंगे और फिर इसे सीरीज में पावर देंगे मशीन को, और ये चेक करने के लिए कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है या नहीं। मैंने इसे सीरीज में ऑन किया और आप देख सकते हैं कि इसके बोर्ड की रेड लाइट ग्लो हो रही है, यानी कि ऑसिलेट ग्लो हो रही है। इससे हमें यह कंफर्म हो चुका है कि इसका जो ट्रांसफार्मर है वो तीनों ट्रांसफार्मर ओके हैं। अब जो भी फॉल्ट बचा हुआ या तो मॉस्फेट में है या इसकी कंट्रोल कार्ड में है। दोस्तों वीडियो के थर्ड स्टेप की ओर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में हम इसकी ड्राइवर कार्ड और मॉस्फेट्स को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर देना है और जो इसके ड्राइवर कार्ड में इसके 8 पॉइंट होते हैं, जो एडजेसेंट में एक साइड 4 पॉइंट दूसरी साइड 4 पॉइंट, तो इनके दोनों एडजेसेंट पॉइंट्स को हमें प्रोब से चेक करना है कि यहाँ पर कोई बीप साउंड तो नहीं आ रहा है। अगर बीप साउंड आता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्राइवर कार्ड में भी शॉर्टिंग हो सकती है। आप देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। इसमें कहीं भी बीप साउंड आएगा तो मल्टीमीटर की रेड लाइट ग्लो होगी। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप में दोस्तों हम डायरेक्ट मॉस्फेट्स को चेक करेंगे। मॉस्फेट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना है और जो हमारी मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब होती है यानी कि कॉमन की, वो हमें मॉस्फेट के ड्रेन पर रखनी है और रेड प्रोब को सोर्स और गेट पर चेक करना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मल्टीमीटर पर बीप साउंड आ रहा है, यानी कि इसके मॉस्फेट शॉर्ट हैं। अब कौन सा मॉस्फेट शॉर्ट है ये पता लगाने के लिए हमें इसके सारे मॉस्फेट्स को चेक करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि पहला मॉस्फेट और दूसरा मॉस्फेट दोनों शॉर्ट बता रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि दोनों मॉस्फेट भी शॉर्ट हो या सिर्फ एक मॉस्फेट ही शॉर्ट हो। मॉस्फेट्स जब बाहर निकलेंगे बोर्ड के तभी वो ठीक से चेक हो पाएंगे, क्योंकि ये मॉस्फेट्स जो रहते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में भी रहते हैं। मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चेक करूंगा कि उधर भी सेम कंडीशन है या कुछ डिफरेंट है। इस साइड भी आप देख सकते हैं एक मॉस्फेट तो यहाँ पर निकला हुआ ही है। चल जाती है मशीन एक मॉस्फेट अगर नहीं भी होगा तो, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमेशा सारे मॉस्फेट लगे हों। मैं जो बाकी के तीन मॉस्फेट्स इधर जो हैं इसमें चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू शो हो रही है, यानी कि जो भी गड़बड़ है हमारे लेफ्ट पार्ट में है। ये देखिए आप इस मॉस्फेट पर भी शॉर्टिंग बता रहा है।
बाकी के जो मॉस्फेट्स हैं वो सभी ओके हैं, यहाँ इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना होगा कि सोल्डर की मदद से सारे मॉस्फेट्स को बाहर निकाल लिया जाए और फिर वन बाय वन इन्हें चेक किया जाए। आप देखिए मैं कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस नॉलेजेबल लगते हैं और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन इस वीडियो को मुझे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैंने इसके मॉस्फेट्स को सोल्डर की मदद से बाहर निकाल लिया। अब मैं ब्लैक प्रोब को इसके ड्रेन पर रखकर सोर्स पर रेड प्रोब को रखकर चेक करूंगा। अगर बीप साउंड आता है तो वो मॉस्फेट डैमेज है, और अगर कुछ वैल्यू शो करता है तो वो मॉस्फेट ओके है। इन दोनों में से एक मॉस्फेट डैमेज है दोस्तों, इसलिए मुझे शायद फॉल्ट पकड़ में आ चुका है। अब मैं मशीन को एक बार इनके अलावा चालू करके देखता हूँ कि इसका ओसी साइन हट रहा है या नहीं हट रहा है। हमेशा मशीन को सीरीज मोड में ही ऑन करना है आपको। मैंने इसे पावर ऑन किया और आप देख सकते हैं कि इसका ओसी पावर अब नहीं ग्लो कर रहा है। मैं इसे उठाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए, यानी कि हमारा फॉल्ट पकड़ में आ चुका है दोस्तों। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसमें हम थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे, मॉस्फेट्स को कैसे चेक किया जाता है। इसलिए मेरे पास दो मॉस्फेट इस मशीन के निकले हुए हैं और मेरे पास दो नए मॉस्फेट्स हैं 4107, तो जो इस मशीन में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको अब कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉस्फेट सही है और कौन सा गलत है। तो अगेन आपको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करना है डायोड रेंज पर, और इसका जो सेंटर वाले पॉइंट है इस पर हमें ब्लैक प्रोब को रखना है, यानी कि मल्टीमीटर के कॉमन प्रोब को, और बाकी दोनों साइड में रेड प्रोब को रखना है। इसके राइट हैंड साइड पर कुछ वैल्यू शो करेगी तो ये डायोड हमारा ओके है, और लेफ्ट साइड में इसको कोई शॉर्टिंग या बीप साउंड या वैल्यू कुछ भी नहीं बताना है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ड्रेन से सोर्स पर कुछ वैल्यू बताई जाती है, लेकिन ड्रेन से गेट पर कोई वैल्यू नहीं शो होनी चाहिए और ना ही कोई बीप साउंड होना चाहिए। ये वाला मॉस्फेट डैमेज है इसलिए बीप साउंड कर रहा है। तो तीनों प्रोब पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू और बीप साउंड आ रही है, यानी कि मॉस्फेट डैमेज है। बाकी के हमारे सारे मॉस्फेट ओके है, इसलिए अब हमें रिप्लेस करने के लिए इसे अलग हटाना होगा और नया मॉस्फेट इस मशीन में इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो का फाइनल पार्ट है। अब मैं जो इस मशीन में पहले से लगे हुए मॉस्फेट थे उनको थोड़ा क्लीन करके सेट करके इसमें सोल्डर करूँगा, और जो डैमेज वाला मॉस्फेट था उसे रिमूव कर दिया है और उसकी जगह एक नया मॉस्फेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला काम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सोल्डर अगर नहीं होगा तो भी हमारा नया सामान भी डैमेज हो सकता है। इसका पूरा पूरा ध्यान रखें ताकि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो। वेल्डिंग मशीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जितना हो सकेगा उतनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मॉस्फेट्स को मैंने मशीन में सोल्डर कर दिया है, इसके ट्रांसफॉर्मर के पिन को भी मैं इसमें लगा दूंगा ताकि इसे पूरी तरीके से चेक करके आपको दिखा सकूं कि मशीन हमारी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अब मशीन को मैं सीरीज मोड में ऑन करूंगा और मल्टीमीटर पे डीसी रेंज पे आपको चेक करके दिखाऊंगा इसके आउटपुट वोल्टेजेस को। अगर मशीन सब कुछ ओके बताती है तो वोल्टेजेस की जो रेंज होती है वो 60-70 वोल्ट के समथिंग होती है, ये डीसी रेंज में ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर 58.6 वोल्टेज बता रहा है, वो थोड़ा कम इसलिए बता रहा है क्योंकि सीरीज मोड पर है। अब इसमें मैं आपको एक स्पार्किंग करके भी दिखा दूंगा, एक के शॉर्ट तरीका होता है वेल्डिंग को चेक करने का अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है मशीन चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं मशीन स्पार्क कर रही है, यानी कि हमारी मशीन ओके हो चुकी है, वेल्डिंग कर रही है। वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं
हमारी मशीन बहुत अच्छे से वेल्डिंग कर रही है, फुल पावर में कर रही है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बना सकूं और जितना हो सके उतनी आप लोगों की हेल्प कर सकूं।